तो अपने जो अपना पहले चैप्टर बचा हुआ था सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर में अपने सॉल्युबिलिटी जो चैप्टर टॉपिक था वो सॉल्युबिलिटी टॉपिक चल रहा था, और उस सॉल्युबिलिटी के अंदर अपने जो सॉल्युबिलिटी की बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। जैसे अपने कहा था कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो ये कुछ एक फैक्टर की बात की थी। उन फैक्टर पर बेस्ड अपने ये देखा था कि उसके कौन कौन से जो फैक्टर है वो उसको इफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। कि पहले हमने लिक्विड के अंदर किसको डिसॉल्व किया था, सॉलिड को डिसॉल्व किया था, तो पहले हमने जो सॉल्युबिलिटी देखी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखी थी, आज हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ये हमारे पास टॉपिक रह रहा है। तो इसको जो अपने पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की अगर अपने बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी जो सॉल्युबिलिटी को चेक किया जाता है वो अपने जो चेक किया जाता है, ये आपने कह सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, किसी भी गैस के जो लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उसको एक टर्म की फॉर्म में अपने यूज लेते हैं, वो क्या है हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की फॉर्म में अपने इसको यूज में लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या चीज है हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है अपने को, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट एट 1 atm प्रेशर एंड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो किसी भी गैस का जो एक वॉल्यूम है उसको अगर अपने किसी भी सॉल्वेंट में एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट का लिया जाए, ठीक है, जैसे इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर में क्या है, कोई सॉल्वेंट को फिल किया गया, और सॉल्वेंट की जो अपने पास अमाउंट है एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मैंने 1 liter अमाउंट ले ली यहाँ पर सॉल्वेंट की, तो इस सॉल्वेंट के अंदर हमें क्या मिक्स करना चाहते हैं, एक गैस को इसके अंदर मिक्स करना चाहते हैं, तो एक गैस को इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे अपने। तो गैस को डिसॉल्व किस पर कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अपने इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट एट 1 atm प्रेशर एंड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो गैस 1 atm प्रेशर पर और नॉर्मल टेम्परेचर पर इस 1 liter सॉल्वेंट के अंदर कितनी डिसॉल्व हो रही है उसको अपने क्या कहा जाता है, उस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है। तो एक पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस उस सॉल्वेंट के अंदर कितनी डिसॉल्व हो जाती है उसे उस गैस का क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। और ये माना जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, वो अगर हाई है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर चीज अपने को, क्या अपने कहेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, अगर किसी भी गैस का अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमारे पास अगर हाई रहता है, तो अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगर हाई होगा तो क्या होगा कि जो द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस गैसेस इज हाई। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगर हाई है, तो अपने यहां पर क्या कहा है कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी भी अपने पास क्या रहेगी, यहां पर हाई है। भी चीज अपने को, तो अगर अपने को एग्जाम में यहाँ पर जो पर्टिकुलर अलग टाइप की जो गैसेस हैं, जैसे अपने को एग्जांपल के फॉर्म में मैं दे देता हूँ, NH3 गैस दे देता हूँ, HCl गैस की बात कर लेता हूँ, NH3, HCl, SO2, ठीक है, H2S, ठीक है, इस तरह से अपनी गैसें दी गई है। इसके अलावा अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है, CO2 दे देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और अपने पास ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, ये गैसें आपको दी गई है, और इन गैसों के आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी दे रखे हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है इन गैसेस की। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई होगा उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो NH3 गैस है उस NH3 गैस का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, हाई है। तो इट मीन्स अगर NH3 का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगर हाई रह रहा है तो NH3 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जैसे अपने यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में अपने क्या लेते हैं, यहाँ पर एक सेम सॉल्वेंट लेना है, तो सॉल्वेंट के फॉर्म में अपने यहाँ पर क्या लिया है, वाटर लिया है।
तो वाटर सॉल्वेंट है, पर्टिकुलर अमाउंट ले रखी है उसके अंदर 1 लीटर ले रखी है, और उनमें आपको डिफरेंट टाइप के गैसेस के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू से आपसे वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछना चाहता है। यहाँ पर मैंने आपको एक एरो से शो कर रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है कि वो उनके पर्टिकुलर डिजिट के फॉर्म में आपको वैल्यू दे दे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की, और आपसे पूछ रहे कि कौन सी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई है। तो आपके पास सिंपल सा है कि जिस गैस की एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास हाई हो जाएगी। तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, लो है। क्यों लो है? क्योंकि अपने इनका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या रहा है हमारे पास, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी हमारे पास इनका क्या रह रहा है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लो होने की वजह से इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास क्या रह रही है, लो रह रही है। क्लियर होगी चीज अपने को? तो पहला जो इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेस पर अपने गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में कहा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगर हाई होगा तो डिफरेंट टाइप के जो गैसेस हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी भी होगी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो वो भी उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, हाई हो जाएगी। ठीक है, ये होगी चीज अपने को। इसके बाद में यहाँ पर जो उसके कुछ फैक्टर देखते हूँ जो इफेक्ट करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी को, उसमें सबसे जो पहला फैक्टर आता है हमारे पास वो फैक्टर कौन सा है हमारे पास, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं अपने, यहाँ पर कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो उसके अंदर फर्स्ट मैंने फैक्टर यहाँ पर कौन सा लिया है, नेचर ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ। तो इस गैस के अंदर क्या करता है कि कोई भी गैस अगर वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देती है, कोई भी गैस अगर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देती है तो उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। इटमीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि NH3 गैस है, NH3 गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास यहाँ पर बात आ गई, द गैस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड इन ए सॉल्वेंट आर मोर सॉल्युबल इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर वो गैस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स होकर आयनाइज हो जाती है तो भी उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने HCl गैस की बात की जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो HCl गैस वाटर में डिसॉल्व होकर क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। तो इसके आयनाइजेशन की वजह से अपने कह देते हैं कि जो HCl गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तभी ये कहा जाता है कि HCl गैसेस स्टेट में क्या होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, आयनिक नेचर का रहता है। सेम थिंग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड है वो कार्बोनिक एसिड भी यहाँ पर क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है आगे चलकर, या अपने जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, इटमीन्स अपने कह सकते हैं यहाँ पर सिंपल सी बात, द गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड और आर आयनाइज इन ए सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल इन ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया NH3 का ले लिया, HCl का ले लिया, CO2 का ले लिया, SO2 का भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि SO2 भी वाटर के साथ मिल कर क्या करेगी अपने पास, H2SO3 की फॉर्मेशन कर देगी, सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन कर देती है। इट मीन्स इन गैसेस की वाटर में जो सोल्युबिलिटी है वो हाई होगी। किससे कंपेयर करूँ मैं यहाँ पर, The gases which do not react with a solvent to form a compound are less soluble in a liquid. तो for example मेरे पास यहाँ पर आ जाता है जो कम सोल्यूबल है वाटर के अंदर, उसमें अपने पास आ जाता है हाइड्रोजन गैस की बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस की बात कर सकता हूँ, नाइट्रोजन गैस की बात कर सकता हूँ। तो ये जो गैसें हैं ये गैसें वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है, और इन गैसेस की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई हो रही है, क्योंकि ये गैसें क्या कर रही है, या तो इसकी फॉर्मेशन कर रही है अपने पास इसको एज ए सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट में इसको मिक्स किया जा रहा है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही है, और या ये क्या हो रही है, आयनाइज। ठीक है, या ये क्या हो रही है, आयनाइज हो रही है। इस वजह से अपने कह रहे हैं कि इन गैसेस की
जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। किससे कंपेयर करें तो अपने अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेज हैं वो वाटर में सोल्युबल कम होती है। हाँ, अगर बेंजीन सॉल्वेंट ले लिया जाए तो बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर इन अगर मेरे पास यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट अगर मेरे पास बेंजीन है तो इन गैसेस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इन गैसेस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो वाटर में इन गैसेस की सोल्युबिलिटी हाई है, क्यों हाई हुई, दोबारा रिपीट करते हैं, हमने ये कहा कि जो गैसें सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर या तो वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेती है या वो सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, उन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है एज कंपेयर टू जो गैसें आयनाइज नहीं होती है या कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती है। क्लियर होगी चीज अपने को यहाँ पर? तो अपने यहाँ पर जो नेचर ऑफ गैसेस के बेस पर ये बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में क्या रहती है, हमारे पास कम रहती है। इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड इसको जो फैक्टर अफेक्ट डालेगा वो हो जाता है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर भी यहाँ पर इफेक्ट डालती है किसके अंदर, डिफरेंट टाइप की गैसेस की सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कि जो गैस पोलर है, ठीक है, तो पोलर गैस क्या होगी, जो पोलर सॉल्वेंट है उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो नॉन पोलर गैस है उस नॉन पोलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी, हमारे पास हाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी चीज अपने पास? यहाँ पर कहा कि जो पोलर गैस आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड लेस सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि अपने अगर H2O की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर वॉटर की बात करता हूँ, तो वॉटर हमारे पास क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, वॉटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। और मैं बात करूं NH3 की, HCl की, ठीक है, या अपने NH3 HCl और कौन सी गैसें की बात कर सकते हैं, SO2 की बात कर सकते हैं। तो ये जो गैसें हैं, ये गैसें कैसी है, हमारे पास पोलर गैस है। ठीक है, और मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, ये जो गैसें हैं वो कैसी है, हमारे पास नॉन पोलर गैसेस हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर पोलैरिटी के बेस पर भी बता सकते हैं कि वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा किसकी होगी, SO2, NH3 और HCl जैसे जो पोलर गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और ये जो गैसेस नॉन पोलर टाइप की जो गैसेस हैं उनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगर अपने यहाँ पर सॉल्वेंट की फॉर्म में मैंने ले लिया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, ठीक है, बेंजीन ले लिया, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन ये हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और अपने यहां पर बात की है बेंजीन की, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से अपने कह देते हैं कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की सॉल्युबिलिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में क्या होगी, हाई होगी। और इसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में SO2, NH3 और HCl जैसे जो पोलर गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में क्या होती है, हमारे पास कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलैरिटी जो सेकंड जो फैक्टर डाल रहा था इसका, वो हमारे पास था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अपने गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की अपने इसके अंदर टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं, तो अपने पास कोई भी गैस है, ठीक है, उसको जब अपने सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन कर देती है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, प्लस में अपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास लिक्विड बनेगा। प्लस में यहाँ से क्या होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है।
जैसे मैंने आपको जब सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात की थी, तो जब किसी भी सॉलिड को अपने यहाँ पर आपने देखा था कि कोई भी अगर सॉलिड है उसको अपने सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उसने किसकी फॉर्मेशन की थी, अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पर ये हो सकता था कि हीट रिलीज भी हो सकती थी और हीट क्या हो सकती थी, एब्जॉर्ब भी हो सकती थी। इट मीन्स वहां पर रिएक्शन दो टाइप की थी, एक्सोथर्मिक टाइप की और एंडोथर्मिक टाइप की, ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन थी वहां पर। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये जो रिएक्शन है, जब भी अपने किसी गैस को जब अपने लिक्विड में एज ए सॉल्वेंट जो लिक्विड है उसके अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कैसी होती है, हमारे पास हमेशा ही एक्सोथर्मिक टाइप की, ठीक है, रिएक्शन का जो टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारे पास एक्सोथर्मिक टाइप के रिएक्शन का टाइप रहेगा। ये रिएक्शन हमारे पास हमेशा ही एक्सोथर्मिक टाइप की होगी और हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो हीट है वो यहाँ पर हमेशा ही क्या होगी, रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अपने कह सकते हैं लॉ शक्ल ये प्रिंसिपल ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो कोई भी गैस के लिए जब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, तो इसके लिए अपने यहाँ पर कहा कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है और अकॉर्डिंग टू लॉ शक्ल ये प्रिंसिपल ये कहा जाता है कि अगर एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है उसके अंदर अगर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मीन क्या हो जाएगा कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है, लेस सॉल्युबल हमारे पास गैस हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पर कहते हैं कि ये जो जो है इसके अंदर एक अपने पास जो एक्सेप्शनल केस आता है और वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है, हमारे पास हाइड्रोजन आता है, ठीक है। इस रूल का एक्सेप्शन केस कौन सा है, हाइड्रोजन है। इट मीन्स अपने जब हाइड्रोजन को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जो गैस के फॉर्म में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है एज ए गैस के फॉर्म में है और इसको अपने जैसे वाटर सॉल्वेंट ले लिया, इस वाटर सॉल्वेंट के अंदर इसको मिक्स कर रहे हैं और इसने क्या बना लिया, सोल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा है, लिक्विड सोल्यूशन ये बना रहा है, तो यहाँ पर हीट क्या होती है, रिलीज ना होकर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है, हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जब अपने हाइड्रोजन को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे वहाँ पर अपने एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में जो ग्लोबल सॉल्ट को लिया था, इसी तरह से यहाँ पर एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में अपने पास कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आ गया और सेकेंड इसमें आ जाता है एग्जाम्पल अपने पास हीलियम। तो दो एक्सेप्शन केस रहते हैं, एक तो हाइड्रोजन का रह जाएगा और एक एक्सेप्शन केस किसका रह जाएगा, हीलियम का रह जाएगा। तो अपने कह सकते हैं सम गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम डिजोल्व विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच गैसेस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन केस है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि हाइड्रोजन गैस को जब अपने वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को राइज करने पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास तीसरा जो इफेक्ट था वो किसका पड़ गया, टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट जो इसको फैक्टर इफेक्ट डाल रहा है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए और प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्वेंट में क्या होती है, इंक्रीज
होती है। वैसे अपने यहाँ पर सोडा वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर का जो उसके ऊपर की जो कैप है उसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉल्वेंट में से क्या हो जाती है, बाहर निकलना या रिलीज होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स जब तक इसके ऊपर अपने प्रेशर अप्लाई कर रखा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी वहाँ पर क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। और जैसे ही अपने यहाँ पर उसको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर के प्रेशर को खत्म कर देते हैं, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को जो किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हेनरी ने इसके ऊपर एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बनाया। उस क्वांटिटेटिव रिलेशन किस पर था, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। तो उसको अपने यहां पर क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। अब ये हेनरी लॉ है क्या, तो इसमें कहा गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या रखना है, कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर पे चेंज लाएंगे तो वो टेम्परेचर का इफेक्ट भी उस पर पड़ने लग जाएगा। तो हमने कहा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस की सॉल्युबिलिटी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, प्रेशर, जो गैस का जो प्रेशर है उस गैस के ऊपर जो प्रेशर है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहती है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द डिजोल्व गैस, ध्यान रखना है एम क्या चीज है, मास ऑफ द डिजोल्व गैस, जो गैस उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो चुकी है उसके मास की बात कर रहे हैं अपने, गैस के पूरी गैस की बात नहीं कर रहा। जैसे वाटर में CO2 गैस अपने 1 लीटर CO2 गैस ले रही, ठीक है, या आपने कह सकते हैं कि अपने 44 ग्राम CO2 गैस ले रहे हैं, और उस 44 ग्राम CO2 में से वो 1 लीटर वाटर के अंदर 10 ग्राम जो CO2 गैस है वो डिजोल्व हो रही है। तो अपने को जो m लेना है वो कितना हो जाएगा, 44 होगा या 10 होगा। तो अपने यहां पर क्या कहा गया है, मास ऑफ द डिजोल्व गैस, तो डिजोल्व कितनी हो रही है, 10 ग्राम गैस डिजोल्व हो रही है, तो उसके मास की बात कर रहे हैं अपने। p क्या चीज है, प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम, जब गैस को सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो वहां पर उसमें जो इक्विलिब्रियम बन जाएगा उस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है, उस प्रेशर की अपने यहाँ पर बात करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P की फॉर्म में हो जाएगा। और K क्या चीज है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। तो अपने पास रूल क्या बन गया, एम इक्वल के पी, ठीक है। अब अपने बात करें, अभी तो मैंने क्या कहा कि उस 1 लीटर वाटर में सिर्फ और सिर्फ आपने CO2 गैस को डिसॉल्व किया है, लेकिन एनवायरनमेंट में तो बहुत सी ज्यादा गैसें पाई जाती हैं। तो अब जो बहुत सारी गैसें हैं तो अकेले CO2 गैसें तो हो नहीं सकती, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपने क्या लेना पड़ेगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। अगर डिफरेंट टाइप की गैसेस अगर उसके अंदर सोल्यूबल है, ठीक है, तो उस टाइम उसको अपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उस गैस की सॉल्युबिलिटी को अपने मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के गैसेस को एक सिंगल सॉल्वेंट में आप मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर अपने क्या लेंगे, उस गैस का मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो उस कंडीशन में अपने क्या कहा, इफ द सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन देन, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारे पास हेनरी लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है, इन द वेपर फेज, ठीक है, इन वेपर फेज, गैस किस फेज में होनी चाहिए, वेपर फेज में होनी चाहिए, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर पी हमारे पास अब क्या ले लिया गया, पार्शियल प्रेशर दिया गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के समय जो वो सॉल्यूशन फेज फॉर्मेशन कर चुकी है तो उस समय उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा। और अपने जब डायरेक्टली के साइन हटाएंगे तो अपने यहाँ पर ले आएंगे KH, KH हमारे पास क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट है, KH हमारे पास क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेनरी लॉ आ गया। तो इसको मैं यहां पर अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल पी अपॉन के एच की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर कह सकते हैं कि आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा कि जो इक्वेशन बनी है तो अपने कह सकते हैं कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हेनरी कॉन्स्टेंट के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ना होकर क्या रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रही है। इट मीन्स अपने कह सकते हैं कि अगर हेनरी कॉन्स्टेंट हाई है तो
जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्लियर है? इससे क्लियर हो जाएगा अपने पास कि अगर हेनरी कांस्टेंट आपके पास हाई है तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू का गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अपने को यहां पर जिस रिलेशन, आप ये रिलेशन दे देंगे और इस रिलेशन से आप क्या लोगे कि अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हाई है दैट मींस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर लो है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको डिफरेंट गैसेस के सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा वो। ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस के सेम टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और आपसे एग्जाम में पूछ लिया उसने कि कौन सी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई है। तो इट मीन्स जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट लो होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास हाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर जो हेनरी कांस्टेंट का गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब अपने अगर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उस पार्शियल प्रेशर और गैस के मोल फ्रैक्शन के अंदर अगर अपने कर्व ड्रॉ करें तो आपके पास कर्व क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपके पास कर्व आ जाएगा और इस कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप इस कर्व की मदद से हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास जो स्लोप है वो स्लोप किसको बता रहा है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को बता रहा है। अब अपने पास यहाँ पर आ रहा है कि ये जो हेनरी जो लॉ है, इस हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इस हेनरी लॉ की हमारे पास लिमिटेशन क्या क्या है, तो इसके अपने लिमिटेशन की बात करेंगे अपने। ठीक है, तो इस लिमिटेशन को देखने के लिए अपने पास जो फर्स्ट लिमिटेशन है इस हेनरी लॉ की, अपने कह सकते हैं प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। जो पी है अपने यहां पर कहा है कि जो प्रेशर शुड नॉट बी वेरी, ठीक है, कि जब अपने हेनरी लॉ को देखना चाहते हैं उस समय ये कहेंगे कि जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, कि आपने कहा कि पूरे जो प्रोसेस के अंदर हेनरी लॉ के अंदर आपने कहा था कि जो गैस है वो किस में होनी चाहिए, वेपर फेज के अंदर होनी चाहिए, ये अपने जो हेनरी लॉ को आपने कहा था। तो अगर प्रेशर को अगर हाई कर दिया तो गैस क्या हो जाएगी, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते ही हेनरी लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्लियर होगी चीज, हेनरी लॉ जब भी एप्लीकेबल रहता है जब गैस किस फॉर्म में हो, वेपर फेज के अंदर हो। अगर गैस लिक्विड फेज के अंदर आ जाती है तो हेनरी लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अपने कह रहे हैं कि प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, अगर प्रेशर हाई हो रहा है तो हेनरी लॉ इसके ऊपर फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है यहां पर जो फैक्ट करेगा वो है टेम्परेचर। तो अपने कहेंगे टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो हुआ तो भी क्या हो जाएगा, कि अपने यहां पर पढ़ा हुआ है कि जो फिफ्थ चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर किसी भी गैस को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना है तो गैस को लिक्विड फेज को कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन थी टेम्परेचर को हाई रखना है और टेम्परेचर को लो रखना है और प्रेशर को क्या रखना है, हाई रखना है, तभी गैस को गैसेस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कंडीशन थी टेम्परेचर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, हमारे पास हाई होना चाहिए। लेकिन हेनरी लॉ कब अप्लीकेबल होता है, कि गैस वेपर फेज में रहनी चाहिए और वेपर फेज में कब रहेगी, जब टेम्परेचर क्या हो, हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास हाई होना चाहिए और प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो अपने पास कहा कि टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, अगर टेम्परेचर को अपने लो कर दिया
तो भी क्या होगा, लो टेम्परेचर पर जो गैस है वो किस फेज में आ जाती है, लिक्विड फेज में आ जाती है, तो दैट मीन्स जो हमारे पास हेनरी लॉ है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट शुड बी लो, मीन्स दो सॉल्यूशन होना चाहिए शुड बी डाइल्यूट, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपने कहा कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन किस नेचर का होना चाहिए, डाइल्यूट नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन कि जो हेनरी लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अगर कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द गैस शुड बी सेम इन द गैस एंड द सॉल्यूशन। तो मतलब जो हमने कहा है कि जो मॉलिक्यूलर स्टेट है, ठीक है, फोर्थ अपने पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास मॉलिक्यूलर स्टेट शुड बी सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो स्टेट है शुड बी सेम ऑफ द गैस, ठीक है, एंड सॉल्यूशन। तो जो गैस की जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो गैस फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में किसी टाइप का, मॉलिक्यूलर स्टेट में किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल HCl का एग्जांपल ले सकते हैं कि HCl वैसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में HCl ही फॉर्म में होता है, और जब इसको सॉल्यूशन फेज में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मींस वो आयनाइज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके अगर मॉलिक्यूलर स्टेज में आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है तो भी जो हेनरी लॉ है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने कह रहे हैं यहाँ पर जो इसमें तीन, इसके अंदर जो मेन फोर इसके ऊपर फैक्टर जो लिमिटेशन आ गई आपसे एग्जाम में, हेनरी लॉ के लिमिटेशन पूछ सकता है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, सेकंड टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, सॉल्यूशन इज शुड बी डाइल्यूट, और नेक्स्ट अपने कहा मॉलिक्यूलर स्टेट शुड बी सेम, किसकी, जो हमारे पास जो गैस है उस गैस की मॉलिक्यूलर जो स्टेट है वो सॉल्यूशन फेज में और गैसेस फेज में क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर हेनरी जो लॉ है उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल आपको बताई हैं जिनके ऊपर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं आ सकता। तो कौन कौन सी दो गैसें हैं उनके ऊपर अपने एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हेनरी लॉ को, तो फर्स्ट गैस अपने पास आ जाती है HCl और सेकेंड गैस आ जाती है हमारे पास NH3 अमोनिया। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो NH3 गैस है और जो HCl गैस है इनके ऊपर जो हेनरी लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको पता है NH3 फॉर्म NH4OH विद वाटर एंड HCl अंडरगोस आयनाइज्ड टू गिव H पॉजिटिव एंड Cl आयन, सो हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ NH3 एंड HCl इन वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसके अंदर कि जब इसको किसमें अपने जो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर। अगर दूसरा सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन वगैरह सॉल्वेंट है तो ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पर तो ये क्या होगी, गैस क्या होगी हमारे पास, आयनाइज होगी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल ही हुआ। और NH3 के साथ मिलकर वाटर ने क्या किया, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये दो एग्जाम्पल है कि जब अपने से एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान देना है कि NH3 और HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब इसके ऊपर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अगर इसी को बेंजीन में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो बेंजीन के साथ में HCl और NH3, वैसे तो बेंजीन के अंदर ही अनडिसॉल्व रहती है क्योंकि इनकी नेचर कैसी है, पोलर है, और बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वहां पर भी अनडिसॉल्व रहेगी। लेकिन अगर प्रेशर को इंक्रीज करके आप इसको सॉल्युबल करना भी चाहते हैं तो उसके ऊपर हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मिक्स होकर ये किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं ले रही है, ठीक है ना। तो ये आयनाइज हो रही है ना ही ये यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये हमारे पास हेनरी लॉ की एप्लीकेशन आ गई, और दो अपने एक्सेप्शनल केस कर लिए HCl और NH3 के। हर लॉ के अंदर या हर रूल के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ, इन एक्सेप्शनल केस को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ज्यादातर इन पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन करते हैं अपने पास, यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स की, बात कर सकता हूँ यहाँ पर, या आप बात कर सकते हो यहाँ पर सोडा वाटर की, बात कर सकते हो,
ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में आपने देखा है कि जो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स द बोतल इज क्लोज्ड एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो उस बोतल को जब अपने हाई प्रेशर पर क्लोज करते हैं तो CO2 गैस की जो सोलिबिलिटी है उसके अंदर क्या होती है, हाई होती है। और जैसे ही अपने स्कीन को ओपन कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद में उस कोल्ड ड्रिंक को या सोडा वाटर को यूज में लेते हैं तो आपको उसका टेस्ट नहीं मिल पाता है। तो टेस्ट नहीं मिलने का रीजन क्या हुआ कि जैसे आपने इसके स्कीन को ओपन किया तो जो CO2 गैस के ऊपर जो प्रेशर था वो तो खत्म हो गया, तो CO2 गैस कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और जो टेस्ट था वो टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास यहाँ पर आता है, एक डिजीज आ जाती है जिसको अपने बोलते हैं बैंड। अब एग्जाम में पूछा गया है बैंड क्या चीज है, व्हाट इज बैंड, तो बैंड क्या होते हैं इसके ऊपर अपने बात करें तो हमारे पास जो स्कूबा डाइवर्स है, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स जब अपने समुद्र के अंदर जब जाते हैं तो समुद्र के अंदर जाएंगे तो वो अपने को पता है कि ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर चलते हैं, तो जब वो अंदर की तरफ जाएंगे तो समुद्र के अंदर की तरफ जाने पर आपको पता है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमारे जो ऑक्सीजन को वो जो अंदर की तरफ लेंगे तो ऑक्सीजन गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अंदर की तरफ जाने पर अपने को पता है कि प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ने से जो ऑक्सीजन गैस की जो सोल्युबिलिटी है या नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता है वहां पर, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब डाइवर्स वापस ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ आने से क्या हुआ कि प्रेशर क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर हुआ। ठीक है, अब लो प्रेशर होने से ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है तो इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा था और उसके अंदर कौन सी गैस मिक्स थी, ऑक्सीजन गैस मिक्स हो रही थी, तो नीचे की तरफ जाने पर तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि अपने कह रहे हैं कि नीचे की तरफ जाने पर हमारे पास हाई क्या रह रहा है, प्रेशर की वैल्यू क्या रह रही है, हमारे पास हाई रह रही है। जैसे ही अपने ऊपर की तरफ आए तो प्रेशर लो हो गया, इट मीन्स इस ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और ये ऑक्सीजन गैस किसकी फॉर्मेशन करती है, बबल्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो बबल्स हमारी जो वेसल के अंदर बबल्स बन जाएंगे और बबल्स हमारी वेसल पर क्या डालेंगे, एक प्रेशर डालेंगे। ठीक है, और इस प्रेशर के कारण से हमारे पास क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स है उन नर्व इम्पल्स में क्या होगा, जो अपने को जो कैपिलरी ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि अगर ये बबल्स बड़ा बन गया है तो बड़े बबल्स बनने के कारण से क्या हो जाता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और उस टाइम हमारे को क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उस दर्द को अपने क्या नाम दिया है, बैंड नाम। ठीक है, तो अब इसका मतलब यहाँ पर इस बैंड से बचना है, क्योंकि अपने जाना जब वो नीचे जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर उनको बैंड्स पड़ेंगे और बैंड्स कई बार इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उसका डाइवर्स की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो सुपर डाइवर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास तीन गैसों का मिक्सचर लेकर चलते हैं। वो कौन कौन सी गैसें होती हैं हमारे पास, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन गैसों का वो क्या करेंगे, मिक्सचर लेकर चलेंगे। जो हीलियम गैस है वो कितनी होती है हमारे पास, 11.7% तक हमारे पास हीलियम गैस होती है। नाइट्रोजन गैस हमारे पास होती है 56.2% होती है, और जो ऑक्सीजन गैस की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, 32.1% हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो इसका मतलब जो सुपर डाइवर्स हैं वो इन तीन गैसों को क्या करेंगे, जो अपना जो गैस सिलेंडर है उस गैस सिलेंडर के अंदर हमारे पास इन तीनों गैसों को क्या लेकर चलेंगे, मिक्सचर लेकर चलेंगे। और आपको पता है कि जो हीलियम गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी, बहुत ही लो होगी, तो जो ये जो बबल्स बनेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम है, इट मीन्स जो अनसॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले से जो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे तो प्रेशर लो होगा, तो गैस अनडिसॉल्व भी क्या हो जाएगी, कम ही होगी, क्योंकि पहले डिसॉल्व भी जब कम हो रही है तो अनडिसॉल्व भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, और ये बैंड्स उस टाइम हमारे पास नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारे पास बैंड्स क्या चीज है। इसी तरह से हमारे पास जो एक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं अपने एनोक्सिया। इंपॉर्टेंट है इन दोनों पर क्वेश्चन अपने पास बनता है। अब एनोक्सिया क्या चीज है, आपने कहे कि जब अपने हिल स्टेशन पर जब जाते हैं
ठीक है, तो हिल स्टेशन पर जाने मतलब जो अर्थ की जो सरफेस है उसे ऊपर की तरफ जैसे जैसे अपने जा रहे हैं, तो अपने कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ठीक है, तो अपने कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैसेस जो ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस का जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कौन सी गैस का? ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं इसको कहूँ तो ये कह सकता हूँ यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस की जो कंसेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन गैस की कंसेंट्रेशन क्या होने शुरू हो जाएगी हमारे पास, लो होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ जाएंगे, हिल स्टेशन पर जाएंगे। तो उस टाइम क्या होता है कि अपने अगर तेज दौड़े ठीक है या तेज चलते हैं तो अपने को जो ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, अपने सांस लेने में अपने को क्या आती है, दिक्कत आती है। ठीक है, और कई बार इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो हमारा जो सांस है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, उस टाइम अपने क्या कहते हैं कि इस चीज को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। इस चीज को क्या बोलेंगे अपने, एनोक्सिया। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अपने पास जो ऑक्सीजन गैस की सप्लाई कम होने की वजह से या कंसंट्रेशन कम होने की वजह से अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन जो सप्लाई कम होगी तो अपने जो बॉडी को सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, अपना दम घुटने लग जाएगा, और इस चीज को अपने यहाँ पर क्या बोल दिया जाएगा, एनोक्सिया बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की मैंने आपको लिमिटेशन बता दी, हेनरी लॉ की मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी कि कौन कौन सी गैसें जो हेनरी लॉ है उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ सकती है। फिर एक इफेक्ट और आता है इसका जो गैस के लिक्विड में सोल्युबिलिटी को इफेक्ट डालता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अपने को पता होना चाहिए, वो क्या, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको अपने ज्यादा अपने ना लेकर अपने इसको सिंपल से लैंग्वेज में कर देते हैं, मैं यहां पर कह सकता हूं प्रेजेंस इन अदर सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में पहले से कोई और सब्सटेंस मिक्स है, जैसे एग्जांपल ले सकता हूं, एक तो हमारे पास क्या है कि नॉर्मल वाटर है। ठीक है, जैसे भी किसी रिवर का वाटर हो सकता है, और एक हमारे पास क्या है कि सी वॉटर। इसके अंदर अपने CO2 गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो है तो दोनों वॉटर, लेकिन इसमें क्या है, पहले से क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, NaCl, KCl, KBr, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट है। तो अदर सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस भी कौन से हैं, आयनिक सब्सटेंसेस हैं। तो आयनिक सब्सटेंसेस की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, जिस वजह से CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है नॉर्मल वाटर में क्या होती है, हाई होती है, और सी वाटर में क्या होती है, लो होती है। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करके आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, ठीक है, या अपने मेंटोस जब उसके अंदर डालते हैं तो जो CO2 गैस है वो बहुत ज्यादा स्पीड से क्या होती है, उस बोतल से क्या हो जाती है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अदर सब्सटेंसेस किस नेचर का है, उस सॉल्वेंट के अंदर जो पहले से मिक्स है वो भी इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, उस गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। तो अपने कह सकते हैं कि अगर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, सॉल्वेंट के अंदर जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सब्सटेंस है, तो वो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्वेंट में वो उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हेनरी लॉ की बात कर ली। कल अपने जो नेक्स्ट जो अपने लेक्चर बनेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन पर अपने लेक्चर देंगे इसके ऊपर।